हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो उन लोगों के लिए है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, कोई कारोबार आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम आप शुरुआत नहीं हो पा रही है आपसे, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आप किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं, जैसे दिन में तो आप सोमवार को, शुक्रवार को कर सकते हैं, कोई विशेष तिथि हुई, प्रदोष का दिन हुआ, शिवरात्रि हुई, इन तिथियों में आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक बेलपत्र लेनी है, बेलपत्र बिल्कुल भी साफ़ सुथरी हो, कटी फटी बिल्कुल भी ना हो, और दो चावल के दाने। ध्यान रखिए, जो चावल के दाने आप लें वो बिल्कुल खंडित ना हो, टूटे ना हो, बिल्कुल साबुत जो चावल होते हैं वो आपको लेने हैं। दो चावल के दाने आपने ले लिए, एक बेलपत्र ले ली और एक लोटा जल, ये सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुँचना है। किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ जाकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठना है, और वहाँ जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्री आप लेकर गए हैं, बेलपत्री का जो चिकना वाला हिस्सा होता है, चिकनी साइड वाली जो पत्तियाँ होती हैं, तो वहाँ आपको किसी भी एक पत्ती पर पीला या सफ़ेद चंदन आपको लगा लेना है, किसी भी एक पत्ती पर, चाहे बीच वाली पत्ती पर लगा ली, लेकिन आपको अपनी अनामिका उंगली से चंदन लगा लेना है। उसके बाद जो चिकनी साइड आपने जो चंदन लगाया है, वही उसी तरीके से आपको वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, जिससे कि चिकना वाला हिस्सा बेल जो शिवलिंग में स्पर्श करे। इस तरीके से आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है कि जो चिकना वाला पत्तियों का हिस्सा है वो शिवलिंग में स्पर्श करे। बेलपत्र इस तरीके से चढ़ाएं जो बेलपत्र की डंडी हो वो आपकी तरफ हो, जिधर आप बैठे हुए हैं, और पत्तियाँ जो हैं वो अपोजिट साइड हों। हम आपको दिखा रहे हैं कि आप जिधर बैठे हुए हैं उधर की तरफ आप डंडी रखिएगा और पत्तियाँ दूसरी साइड। फिर उसके बाद जो दो चावल के दाने लेकर आप गए हैं, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो दो चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देने हैं। और सबसे अंत में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस एक लोटे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कीजिए। गुरु जी कहते हैं आप जल इतना धीरे और लगातार समर्पित कीजिए जिससे कम से कम आप 11 बार तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकें, अपनी मनोकामना बोलिए। और आप ये ध्यान रखिए, जब आप जल चढ़ाएं तो जो जल है, तो जल का जो पात्र है जिससे भी आप जल चढ़ा रहे हैं, वो शिवलिंग में स्पर्श ना करें। जैसे आप लोटे से जल चढ़ाएं तो लोटा शिवलिंग में टच ना हो, थोड़ा सा ऊंचा बस रखिए, ज़्यादा ऊंचाई से भी जल ना चढ़ाइए जिससे कि छींटे आए आपके ऊपर या किसी के ऊपर। और जो बेलपत्र की डंडी है, उसमें डंडी के नीचे जो छोटी सी एक हल्की सी गांठ होती है, उसे तोड़कर ही बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर हमेशा समर्पित करें। ये दो बातें आप हमेशा ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें कि जब आप बेलपत्र, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आपके जो नाखून है वो शिवलिंग में स्पर्श बिल्कुल ना करें। तो गुरु जी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कुछ छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।